सृष्टिकार ब्रह्मदेव ने हनुमान की तुलना साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक प्रशांत वर्मा की फिल्म हनुमान का है और यह भारतीय पौराणिक कथाओं के शक्तिशाली पात्रों से प्रेरित है। इस फिल्म में हनुमान तेजा सज्जा के लीड रोल में नजर आ रहे हैं। इस टीजर में बैकग्राउंड में संस्कृत के श्लोक दोहराए गए हैं जो फिल्म के सीन को और भी दमदार बना रहे हैं। फिल्म की कहानी हनुमान के किरदार की है जो राम भक्ति में लीन है और जिसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब लोग इस टीजर की तुलना हाल ही में रिलीज हुई ओम राउत की प्रभास और सेल्फ स्टारर फिल्म आदि पुरुष से कर रहे हैं। ट्विटर पर लोगों ने फिल्म के बजट को लेकर भी खूब खरी खोटी सुनाई है। एक यूजर ने तो ये तक लिख डाला कि हनुमान का बजट मात्र 12 करोड़ है और आदि पुरुष का बजट 600 करोड़। लोगों ने इस फिल्म के VFX को शानदार बताया है और इसी को अभी से ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। इसी के साथ एक यूजर ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि हनुमान का टीजर आदि पुरुष से लाखों गुना बढ़िया है। हनुमान का टीजर देखने के बाद कह सकता हूँ कि बॉलीवुड फ्रॉड है और ब्लैक मार्केट है। आदि पुरुष 600 करोड़ की फिल्म नहीं हो सकती। प्रोड्यूसर प्रशांत वर्मा हनुमान में तेजस अज्जा, अमृत नैयर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार लीड रोल में नजर हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि यह फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी। बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट की तो ये फिल्म 2023 में आपको सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको हनुमान का ट्रेलर कैसा लगा? क्या ये आदि पुरुष से सच में लाखों गुना बढ़िया है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।